मैं मंगतुराम चौधरी, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर के कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं की ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय नंबर 1 के बारे में जानकारी लेंगे। अध्याय नंबर 1 संख्याओं के बारे में बताता है हमें, किसके बारे में बताता है, संख्याओं के बारे में। तो हमें संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। संख्याओं को अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, विस्तारित रूप में लिखना, संख्या रूप में लिखना आदि, इन चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहली संख्या है 24,056, इसे हमें शब्दों में यानी हिंदी में लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के लिए हम दो संख्या एक साथ लेंगे और दोनों संख्याओं को एक साथ बोल करके लिखेंगे, यानी कि ये 24 है तो 24 के साथ हजार लगाएंगे तो ये हो जाएगा 24,000। 24,000। इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर 0 है। पिछले दो अंकों को एक साथ बोलेंगे 56, तो हमारा ये हो गया 24,056। इसी प्रकार हम इसकी अगली संख्या को देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 40,009। तो यहाँ लिखेंगे 40,009। तीसरी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 99,999। चौथे नंबर की जो संख्या है वह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 80,511। 80,511 है। पांचवें नंबर की जो संख्या है वह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 67,725। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 67,725। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इसमें हमें जो संख्या दी गई है इसको विस्तार रूप में लिखना है, यानी खोल करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे, संख्या में से हम दाईं ओर से एक एक अंक लेंगे, बाईं ओर से, दाईं ओर से लेंगे तो इधर से शुरू करेंगे और बाईं ओर से अंक लेंगे तो इधर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बाईं ओर से लेते हैं, पहला अंक है एक, एक लिया हमने। अब हम ये देखेंगे इसके इधर दाईं ओर कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ 4 0 लगा देंगे। अपनी तरफ से हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरी संख्या का नंबर है 2, इसके दाईं ओर देखेंगे 1, 2, 3, तो हम यहाँ 3 0 लगाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर तीसरी संख्या लेंगे,
फिर देखेंगे इसके आगे दो संख्या हैं तो दो जीरो लगाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर सात, इसके आगे एक संख्या है तो एक जीरो लगाएंगे, प्लस दो, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हम जीरो नहीं लगाएंगे। दूसरी संख्या देखिए 23,434, इसका बाईं ओर का पहला अंक लेंगे दो, इसके आगे एक दो तीन चार संख्या है तो चार जीरो लगाओ, प्लस का चिन्ह, फिर तीन, तीन जीरो लगाओ, फिर प्लस का चिन्ह, फिर चार, दो जीरो लगाओ, फिर तीन, एक जीरो लगाओ, फिर चार, इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो हम जीरो नहीं लगाएंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरी संख्या देखिए 45,302, पहला अंक है बाईं ओर से चार, एक दो तीन चार, चार संख्या है तो चार जीरो लगा दी, प्लस पाँच लिया, पाँच के आगे तीन संख्या है तो तीन जीरो लगाओ, फिर प्लस तीन लिया, इसके आगे दो संख्या है तो दो जीरो लगाओ, फिर प्लस, फिर जीरो है और जीरो के आगे एक संख्या है तो हम एक और जीरो लगाएंगे, प्लस दो, इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब अगली संख्या देखिए 75,004, तो बाईं ओर से पहला अंक लेंगे सात, इसके आगे देखते हैं हम चार संख्या हैं तो चार जीरो लगाइए, प्लस पाँच लेंगे, पाँच के आगे तीन संख्या हैं तो तीन जीरो लगाइए, प्लस फिर जीरो है और जीरो से आगे दो संख्या हैं तो दो जीरो लगाओ, प्लस फिर जीरो, फिर एक संख्या है इसके आगे तो एक जीरो लगाएंगे, प्लस चार। अगली संख्या है 68,777, इसमें हम छह का अंक लेंगे, एक दो तीन चार संख्याएं इसके आगे तो हम चार जीरो लगाएंगे, प्लस दूसरा अंक लेंगे आठ, इसके आगे तीन संख्याएं तो तीन जीरो लगाएंगे, फिर प्लस, फिर आ गया आठ, इसके आगे दो संख्या है तो दो जीरो लगाएंगे, प्लस फिर सात, इसके आगे एक संख्या है तो हम एक जीरो लगाएंगे, प्लस सात, इस प्रकार हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। संख्याओं को हमने विस्तारित रूप में लिख दिया है, इस प्रकार हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखते हैं, यानी कि हमको जब हम विस्तारित रूप में लिखते हैं तो संख्याओं के साथ जीरो लगाना है और अपनी तरफ से बीच में प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन, नीचे दिए गए विस्तारित देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। अब ये हमें विस्तार रूप दिया गया है और इसको इस प्रकार संख्या रूप में लिखना है, तो हम क्या करना है, हमें जो इसके पीछे जो जीरो लगी हुई है उनको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम दाईं ओर से संख्या लेंगे, इकाई वाली जो संख्या है उसको इधर इकाई की तरफ शुरू कर देंगे लिखना, उसके बाद दूसरी संख्या में जो अंक है उसको लिखेंगे सात, उसके बाद फिर सात, उसके बाद पाँच, उसके बाद चार, यानी कि इस प्रकार हमारी 45,772 संख्या हमें बन करके तैयार हो गई। इसी प्रकार इसमें से लिखेंगे इकाई का अंक छः है, दाई पे दो है, सैकड़े पे जीरो है, हजार पे भी जीरो है और 10,000 पर 6, यानी कि 60,026। तीसरा नंबर देखेंगे, इकाई पर 8 है, दाई में 0 है,
सैकड़े में नौ है, हजार पर नौ है और दस हजार पर तीन है, तो हमारी संख्या बनकर तैयार हुई 39,908। चौथा नंबर, इकाई में एक है, दहाई में भी एक है, सैकड़े में आठ, हजार में दो और दस हजार में पाँच, तो हमारी जो संख्या बनी वो बनी 52,811। पांचवा नंबर है, इकाई में आठ, दहाई पे जीरो, सैकड़े में जीरो, हजार में भी जीरो और दस हजार में आठ, तो हमारी जो संख्या बनी है वो बनी है 80,008। इस प्रकार हमने विस्तारित रूप को संख्या के रूप में बदल दिया है। अब अगला क्वेश्चन आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर चार हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे।